अध्याय 15। बहादुर उमंग। कोलापुर गांव में एक 12 साल का अनाथ बालक रहता था। उसका नाम उमंग था। वह अपनी काकी के साथ रहता था। लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वह सबका बहुत प्यारा था। एक दिन की बात है, वह खाना खाकर बोला, काकी आज मैं यादवपुर गांव जा रहा हूँ रामलीला देखने। ठीक है, ध्यान से जाना, काकी ने कहा। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। उसके साथ 4 महिलाओं और 6 बच्चों का दल चला जा रहा था। ठंडी तीखी हवा चल रही थी। चलो रेल की पटरियों के बीच से चलते हैं, माया देवी ने कहा। हम लोग फूलझाड़ा नाला आसानी से पार कर लेंगे, उमंग ने पूछा। लेकिन माया काकी, क्या यह ठीक रहेगा? सड़क से तो ठीक ही रहेगा, इस समय कोई रेलगाड़ी भी नहीं आती जाती, माया काकी बोली। काकी ने उमंग की बात नहीं मानी। सब लोग ऊंची रेल लाइन तक पहुंच गए। अंधेरे में वे पटरियों के बीच चलने लगे। छोटी निर्मल का हाथ पकड़े उमंग आगे आगे चल रहा था। अचानक उमंग को लगा कि जैसे पीछे से कोई रेल आ रही हो। वह बोला, कहीं रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है? उमंग तुम चुप रहो, बच्चों को डराओ मत, माया देवी नाराज होकर बोली। उमंग चुप हो गया। वे लोग नाले के ऊपर बने लंबे पुल के बीच तक पहुंच चुके थे। तभी जोर से झटका लगता हुआ महसूस हुआ। एक महिला ने कहा, पुल हिल रहा है। माया देवी ने उसे डांटकर चुप करा दिया। उमंग को लगा रेलगाड़ी आ रही है, पर किधर से आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा था। उसी के कारण रेल पुल हिल रहा था। रेल रेल, माया देवी भागो, सब लोग भागो, पीछे से आवाज आई। रेलगाड़ी एकदम पास आ चुकी थी, पर इंजन अभी दिखाई नहीं दे रहा था। इंजन की रोशनी खराब हो गई थी। कूदो कूदो, सब लोग कूद जाओ, उमंग जोर जोर से पीछे देखकर चिल्ला रहा था। वह पुल की रेलिंग से चिपक कर खड़ा हो गया। इतने में इंजन धड़धड़ाता हुआ तेज रफ्तार से आगे निकल गया। उमंग ने माया देवी की चीख सुनी। उसका दिल कांप उठा। वह चिल्लाया, माया देवी, बबली, सुक्कूबाई। सुक्कूबाई की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। तभी उसके पैर से बबली टकराई। वह बेहोश पटरी के किनारे पड़ी थी। उसकी पीठ पर घाव हो गए थे। वह जल्दी से माधवपुर गांव पहुंचना चाहता था। सुक्कूबाई और बबली को लेकर वह चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। बचाओ बचाओ, यह लड़की गंभीर रूप से घायल है, वह चिल्लाने लगा। पल भर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। उमंग ने लोगों को सारी बातें बताई। हम 10 थे, अब 3 ही रह गए हैं, पता नहीं औरों का क्या हुआ। माधवपुर गांव के लोग रेल मार्ग की ओर चल दिए। फूलझाड़ा नाले पर चलकर रोशनी की तो वहां देखा, सभी लोग नाले में गिरे हुए थे। पुल से कूदने के कारण सभी को चोटें आई थी। 2-3 लोग गंभीर रूप से भी घायल थे। गांव के लोगों ने उन 7 लोगों को नाले से बाहर निकाला और पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। माधवपुर गांव के लोग उमंग की बहादुरी की सराहना कर रहे थे। तुमने इन सभी की जान बचाकर बहादुरी का काम किया है, गांव के मुखिया ने उमंग से कहा। यह घटना गांव वालों के लिए सबक थी कि कभी भी लंबे रेल पुल पर बिना सावधानी के नहीं जाना चाहिए। शब्दार्थ, रोशनी, प्रकाश, अनाथ जिसके माँ बाप मर चुके हों, नाराज, गुस्सा होना, दृश्य, नजारा, मार्ग, रास्ता। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड क्लिक द बेल आइकन
to get new video updates. Thank you.